हेलो फ्रेंड्स मैं गौरव और आप देख रहे हैं सीवाई क्लासेस जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आप आज अपडेट करूंगा आपको पूरक परीक्षा के बारे में तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पूरक परीक्षा के लिए तो वो मैं मैं आज आपको आपको बताने वाला हूं उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम अपने चैनल पे लेटेस्ट एजुकेशनल न्यूज और आपका गुजरात बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड पूरे इंडिया में जितने भी एजुकेशनल बोर्ड है सबका न्यूज देते रहते हैं एज वेल एज हम हमारे चैनल पे जो वीडियोस है वो भी डालते हैं एजुकेशन रिलेटेड जैसे कि आपका नोट्स हो हर चैप्टर के और आपका पूरा थियरी एनसीआर टी सब हम डाल के रखे हैं तो अगर आपको वैसे वीडियो देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगे तो तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरक परीक्षा का क्या होगा कब एग्जाम होगा और कैसा रहने वाला है सब कुछ तो उसके लिए आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ तो आते हैं हमारी स्क्रीन पे देखिए ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये गुजरात समाचार का आर्टिकल है ठीक है क्या लिखा गया इस आर्टिकल में वो देख लेते हैं ठीक है इसमें क्लियरली क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि जो टेंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम होने वाला था ठीक है जो टेंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम होने वाला था अब पूरक परीक्षा अब जुलाई में नहीं होगा तो जो पूरक परीक्षा जुलाई में हुआ करता था वो जुलाई में नहीं होगा तो कौन से में होगा तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे वो मैं बता दूं आपको टेंथ में टोटल 1.6 लाख स्टूडेंट थे पूरक परीक्षा के लिए ठीक है और ट्वेल्थ में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हैं तो उनके लिए ये एग्जाम ली जाती थी हर साल और जो कि जुलाई में होती थी तो इस साल इस बार जुलाई में नहीं है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आगे होने वाला है तो पूरा वीडियो एंड तक देखना अगर आपको क्लियर न्यूज जानना है तो तो अब जो है कि इसमें लिखा गया है कि जो एग्जाम होगा वो ना जुलाई में होगा ना ही अब अगस्त में होगा सितंबर में होगा ठीक है सितंबर में चांसेस है होगा तो अब देखो इसको एक दो पॉइंट इसका समझना बहुत जरूरी है सेप्टेम्बर में आपका जेई का एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाला है आपका नीट का भी होने वाला है और आपका ये भी सेप्टेम्बर में होगा एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में पूरा का पूरा तो आपका जो है सितंबर में तो एग्जाम दिया जाएगा उसको चेक होते होते अक्टूबर अक्टूबर हो जाएगा और October में आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके लिए अलग से फॉर्म निकलेगा तो आपका लगभग अगर हम काउंट करके चले तो अक्टूबर पूरा जाएगा और नवंबर में आपका स्टार्ट होगा तो इसमें चांसेस है कि आपका इसमें क्या लिखा गया है? देखो कि एक बे विषय में नापास विद्यार्थियों ने आखू वर्ष बगड़े तेवी स्थिति अब ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा साल खराब हो जाए लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं ठीक है आपका एग्जाम होगा एक दो महीना आपका एक महीना आप मान के चलिए कि आपका लेट होने वाला है आपका रेगुलर टाइम से क्योंकि अब एग्जाम इतना लेट हो रहा है एग्जाम लेट हो तो रिजल्ट लेट आएगा लेट आएगा रिजल्ट तो एडमिशन प्रोसेस भी लेट हो जाएगा तो ये जो था लेटेस्ट अपडेट था अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और जैसे ही कोई और अपडेट नहीं आती है तो मैं आपको सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा उसके लिए आप जानते ही हो कि अगर हमारे चैनल से जुड़े हो गए की हम सबसे पहले अपडेट करते हैं ये सब चीज के बारे में तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा कि सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए सो थैंक यू